कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज मैं आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूं बनाना चिप्स की रेसिपी। देखिए चिप्स तो बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब मेरे बच्चों को तो अगर मैं नींद से उठाना होता ना तो मैं उन्हें बोलती हूँ बेटा चिप्स खाओगे और वो जल्दी से उठ जाते हैं। तो ये तो मेरी ट्रिक होती है बच्चों को जल्दी जल्दी उठाने की। पर मैं प्रिफर नहीं करती हूँ कि मार्केट के चिप्स खिलाऊं बच्चों को, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें सिर्फ हवा होती है पैकेट के अंदर। मतलब अगर आप ट्राई करके देखिएगा, 10 रुपए का जब चिप्स का पैकेट आप जब फोड़ते हैं ना तो उसमें सिर्फ हवा निकलती है, उसमें चिप्स तो होते ही नहीं है। कोशिश करती हूँ मैं कि घर में बच्चों के लिए चिप्स बनाऊं। पोटैटो चिप्स बनाने में मुझे थोड़ा सा लेंथी लगता है काम, क्योंकि उन्हें पहले सुखाना पड़ता है फिर फ्राई करने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ बनाना चिप्स, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसे सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये बच्चों के लिए बन जाते हैं बहुत जल्दी। और मेरे घर में जब गेस्ट आए होते हैं ना तो मैं ये बड़ी जल्दी जल्दी बना देती हूँ और उन्हें सर्व कर देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बनाना चिप्स बनाने की रेसिपी। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाएं और इन्हें रिप्लेस कीजिए उन पोटैटो चिप्स के साथ जो आप मार्केट से खरीद के बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हम पैसे दे रहे हैं, उस हवा के चिप्स तो उसमें होते ही नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, ट्राई करें इसे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कटोरी में आधा चम्मच नमक और आधा कटोरी पानी लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड रख देंगे। तेल जब तक गर्म होता है तब तक मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना केले को छील लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये केला कच्चा है तो इसे छीलने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इसे आराम से छील सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसे कितना आराम से छील पा रही हूँ। देखिए केले के चिप्स बनाने में इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। आप चेक करते रहिए बहुत ज़्यादा गर्म ना हो तेल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कद्दूकस लेना है और डायरेक्ट कढ़ाई के ऊपर ही हम अपने चिप्स को बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सारे चिप्स को कद्दूकस कर लेना है। मैंने अभी सिर्फ एक केले के चिप्स बनाए हैं और मार्केट के जो 20 रुपए वाला पैकेट आता है ना चिप्स का, उससे भी ज़्यादा इसमें चिप्स बनते हैं सिर्फ सिंगल केले से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, ये बहुत ईजिली अलग अलग हो जाएंगे। कई बार हमें लगता है कि सारे चिप्स चिपक रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके चिप्स आधे पक जाएं तब आपने वो जो नमक वाला पानी हमने बनाया था ना, उसका सिर्फ एक चम्मच आपने इस तेल में डाल देना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपके चिप्स बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी। नमक वाला पानी डालने के बाद ध्यान रखिए कि गैस होनी चाहिए बहुत कम, वरना ये जो पानी हमने तेल में डाला है ना, ये आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं। मैं हमेशा तेल का काम करते वक्त फुल स्लीव्स के कपड़े इसीलिए पहनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके छींटे कहीं मुझ पे ना लग जाए, क्योंकि मुझे तेल से थोड़ा सा लगता है डर। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप बनाना चिप्स बना रहे हैं, तेल में थोड़ा सा भी पानी डालते हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े ज़रूर पहनिए। एक से दो मिनट के बाद आपके चिप्स जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप चेक कर लीजिए कि ये सही से क्रिस्पी हो चुके हैं या नहीं। मेरे चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है सॉल्टेड, तो मैं इसमें 2 चुटकी नमक डाल रही हूँ। आपको कोई मसाले वाले पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। तो लीजिए आपके बनाना चिप्स बन के हैं रेडी। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे ये चिप्स, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। कोशिश ज़रूर कीजिएगा, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, अपने बच्चे को खिलाइएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बच्चों के लिए चिप्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।